हाय फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम सिक्स्थ सेम के एक नए सब्जेक्ट इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुरू करने जा रहे हैं। मेरे पास जो बुक है वो कल्याणी पब्लिशर की है। इसके राइटर पूनम अग्रवाल एंड जतिंदर कौर हैं। तो इसका हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स। गाइस, हम ये चैप्टर ना पार्ट्स में करेंगे। मैं इस सब्जेक्ट के नेम पे एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आप उसको ज़रूर चेक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन होने से सभी बाउंड्रीज ख़त्म हो गई हैं, जिससे क्या हुआ है कि बिजनेस एक्टिविटी की एक्सपेंशन हो गई है, जिससे इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स की ग्रोथ हुई है, और इन फॉर्म ऑफ FDIs एंड जॉइंट वेंचर्स एक्सेट्रा फंड्स का डिफरेंट नेशंस में फ्री फ्लो हो रहा है। ट्रेडिशनली अकाउंटिंग में सिर्फ बुक कीपिंग और रिकॉर्डिंग की जाती थी, बट मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अकाउंटिंग का प्राइमरली रोल इफेक्टिव मेजरमेंट और ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करना है जिससे वर्ल्ड के डिफरेंट नेशंस में सोसाइटी के कई सेगमेंट्स के डिफरेंट नीड्स को फुलफिल किया जा सके। अकाउंटिंग बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है, जिससे आने वाले एंटरप्राइज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को उसके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ज़रिए कम्युनिकेट किया जाता है। किसी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ और कंडीशन का पता उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स किसी बिजनेस के गोल्स सेट करने, साउंड बिजनेस डिसीजंस लेने और फाइनेंस ऑब्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या होती हैं? यह पीरियोडिक यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद होने वाली फाइनेंशियल कम्युनिकेशंस होती हैं, जो किनके बीच होती हैं, यह बिजनेस या किसी और तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और उन पर्संस के बीच होती हैं जो उस बिजनेस या एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन का पता लगाना चाहते हों। किसी बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में थ्री प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के साथ साथ फुटनोट्स और कोई भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो बिजनेस के ओनर के साथ रिलेटेड हो, यह सब इंक्लूड होती हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो किसी एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की होती है। यह कम्युनिकेशन किसी बिजनेस और उसके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जिनमें इन्वेस्टर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और जनरल पब्लिक इंक्लूड है, उनके बीच होती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू टाइप्स की होती है, इंटरनल रिपोर्टिंग और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। इंटरनल रिपोर्टिंग मैनेजमेंट और इलेक्टेड ऑफिशियल्स को एंटिटी मैनेज करने के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए की जाती है, यह इंटरनल रिपोर्टिंग थी। और जो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होती है वो स्टेक होल्डर्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए की जाती हैं, क्योंकि उनका एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता। इन स्टेक होल्डर्स में सिटीजन्स, ग्रांटर्स, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स आते हैं। Thank you for watching.